हेलो दोस्तों, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में मंगल फोन पर कैसे टाइपिंग करते हैं ये सीखा। और उस टाइपिंग के दौरान बहुत सारे लेटर ऐसे हैं जो आप नॉर्मली टाइप करके नहीं ला सकते, तो उन सब सारे लेटर्स को कैसे लाया जाता है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर पर अगर आपको हिंदी टाइपिंग करना है, यानी कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग करना है, तो हिंदी टाइपिंग के लिए आपका मंगल फॉन्ट और कृति देव फॉन्ट, ये आपका ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आपको हिंदी टाइपिंग करना होगा तो आपको पता है कि डिफॉल्ट जो है, अगर जब कंप्यूटर आप ओपन करेंगे और उस पर एमएस वर्ड पर अगर आप टाइप करने जाएंगे तो डिफॉल्ट आपका इंग्लिश टाइप होता है। ठीक है, डिफॉल्ट जो है आप क्या कर सकते हैं, इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। लेकिन इसी जगह पर अगर आपको हिंदी टाइप करना होगा तो आपको जो लैंग्वेज चेंज करना होता है, तो लैंग्वेज में आप कृति देव भी चूज कर सकते हैं, यानी लैंग्वेज पर आप जो है कृति देव भी चूज कर सकते हैं और दूसरा मंगल फॉन्ट भी चूज कर सकते हैं। और मंगल फॉन्ट को कैसे इनेबल करते हैं इसका वीडियो जो है चैनल पर और पहले से डाला हुआ है। ठीक है, तो अब बात रहा कि मंगल फॉन्ट पर अगर आप टाइप करेंगे तो आप डिफॉल्ट यहाँ से क्या कर पाते, इंग्लिश लिखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मंगल फॉन्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी आपका मंगल फॉन्ट सेलेक्ट हो, तो उसके लिए कीबोर्ड से आपको क्या करना होगा, यानी मंगल फॉन्ट पर कन्वर्ट करने के लिए आप यहां से अल्ट के साथ आप शिफ्ट प्रेस करें। यानी अगर आप एमएस वर्ड पर हैं, एमएस वर्ड पर टाइप कर रहे हैं, तो अल्ट के साथ आप जब शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका लैंग्वेज चेंज हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है तो अब आप इसमें देख पा रहे हो कि अगर हम कोई भी लेटर टाइप करते हैं तो आपका हिंदी में टाइप होता है। ठीक है, और हिंदी में इसलिए टाइप होता है क्योंकि आप यहाँ पर लैंग्वेज पर आप देख पा रहे होंगे कि आपका मंगल चूज किया हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा आप यहाँ पर टास्क बार पर भी देख पा रहे होंगे, जहां पर आपका टाइम शो करता है उस जगह पर देखिए हिंदी आपका शो कर रहा है। ठीक है, ये दो जगह पर आप देख कर बता पाएंगे कि कंप्यूटर पर कौन सा भाषा सेलेक्ट है। अगर इसी जगह पर अगर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो देखिए आपका लेटर क्या होगा, चेंज होगा। कब, जब ये आपका रिमूव करते हैं, यानी अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि इस जगह पर भी आपका लैंग्वेज चेंज हो गया और जो दूसरा है जहां पर आपका टाइम शो करता है उस जगह पर आपका इंग्लिश शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो ये आपका इंग्लिश में टाइप होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कभी भी मंगल फॉन्ट पर टाइप करना तो आप अल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करें, आपका भाषा चेंज होगा और आप जो लिखेंगे वो आपका हिंदी में टाइप होगा। तो हिंदी टाइपिंग के दौरान तो आपको पता है कि होम रो, टॉप रो और बॉटम रो का यूज होता है और इसके अलावे नंबर का भी आप यूज करते हैं और नंबर में भी हिंदी का बहुत सारा लेटर आपको मिलेगा। लेकिन इन सारे लेटर के अलावा कुछ और भी लेटर हैं जो मंगल फॉन्ट पर भी मौजूद नहीं है और इस कारण से बहुत सारे कमेंट भी मिले कि इन सब सारे लेटर को कैसे टाइप करें। तो इसके लिए क्या करना है आपको वो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों को एमएस वर्ड के बारे में पता है तो आप जानते होंगे एमएस वर्ड में एक इंसर्ट मेनू होता है। ठीक है, यानी एमएस वर्ड में किसी भी मेनू के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस पर वर्क करने के लिए। तो इंसर्ट मेनू में एक आपका सिंबल मेनू होता है, ये आपका जो है इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, कोई सा भी फॉन्ट पर आप टाइप कर रहे हो इंसर्ट मेनू में सिंबल का जरूरत पड़ता है। तो अगर आपको कोई लेटर चाहिए होता है तो उसके लिए आप यहाँ से इंसर्ट मेनू पर जाएं और इंसर्ट मेनू में सबसे लास्ट में आपको सिंबल मेनू मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से सिंबल मेनू पर जाइए और इसके बाद मोर सिंबल पर जाना है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, इंसर्ट मेनू पर जाना है, सबसे लास्ट में सिंबल दिखेगा उस पर क्लिक करना और इसके बाद मोर सिंबल पर क्लिक करें। और जैसे इस मोर सिंबल पर जाएंगे तो उसमें भी आपका क्या होता है, लैंग्वेज चूज करना होता है, क्योंकि अगर आप डिफॉल्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज शो करता है तो वहां पर जो लैंग्वेज चूज करने का मतलब है कि आप उस जगह पर मंगल फॉन्ट को चूज करें। ठीक है, यानी मंगल या आप वहां पर देवनागरी भी होगा। ठीक है, आप देवनागरी को चूज करेंगे तो अब आपके सामने उस बॉक्स में जितना भी लेटर शो करेगा, जितना भी लेटर शो करेगा वो सारा आपका हिंदी का शो करेगा। तो उसमें वो भी लेटर आपको दिखेगा जो कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं और वो भी लेटर दिखेगा जो कीबोर्ड से नहीं टाइप कर सकते हैं। तो आपको उसमें क्या करना है कि जो भी लेटर चाहिए उस लेटर को आप सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, और सेलेक्ट कर, जैसे ही उस लेटर को सेलेक्ट करेंगे
तो उस लेटर का आपको शॉर्टकट की भी दिखेगा, ठीक है। यानी अगर फ्यूचर में अगर शॉर्टकट की के जरिए लाना चाहें तो उस लेटर का शॉर्टकट की भी दिखेगा। तो आपको क्या करना है, उस सिंबल को सेलेक्ट कीजिए और जैसे आप यहां से इंसर्ट पर क्लिक करेंगे वो लेटर आपको पेज पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बॉक्स को हटाने के लिए आप यहां से क्लोज कर लीजिए। लेकिन हम मेरे कहने का मतलब है कि ये सिंबल तो आप एक बार गए सेलेक्ट करके आप इंसर्ट कर लिए, ठीक है, और पेज बॉक्स को हटा दिए, लेकिन उसका शॉर्टकट की भी देख लीजिए कि उसका शॉर्टकट की क्या है। इससे क्या बेनिफिट होगा कि दोबारा कभी उस सिंबल को लाना पड़ेगा तो आप शॉर्टकट की के जरिए ला सकते हैं, ठीक है। चलिए आप एमएस वर्ड पर देखते हैं। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आप यहां से इंसर्ट मेन्यू पर जाएं और जैसे इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट से रिलेटेड जितना भी सारा मेन्यू होगा वो शो करेगा। सबसे लास्ट में सिंबल है उस पर क्लिक करें और इसमें से रिसेंट जो लेटर्स होता है ना वो शो करता है। आपको मोर सिंबल पर जाना है और यहाँ पर क्या जो बॉक्स खुलेगा इसमें आप देख पा रहे होंगे ये जो शो कर रहा है ना फॉन्ट मंगल, इसको क्या करना है, ये तो आपका एक्टिव है ही, अगर ना रहे आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर पे तो पहले आप ये चूज कर ले। और इसके बाद अभी देखिए जितना भी सारा लेटर ये सब जो दिख रहा है ना ये सारा आपका जो है मंगल पर है। तो देखिए ये सब जो भी सारा लेटर है ना ये लेटर कुछ टाइप भी कर सकते हैं, कुछ आपको लाना है। जैसे कोई कमेंट वगैरह कर दिया था ना कि यहाँ से ओम कैसे लिखेंगे, आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से देखिए जैसे सेलेक्ट करके हम यहाँ इंसर्ट करेंगे तो स्क्रीन पर आ भी जाएगा, आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए शॉर्टकट की भी शो करता है, हालांकि थोड़ा सा ये लंबा शॉर्टकट की है, कंट्रोल अल्ट है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स है, ठीक है। इसके अलावा जैसे बहुत लोग बोले कि ये पंडित कैसे लिखेंगे, डॉक्टर कैसे लिखेंगे, तो इसमें तो पता है कि पंडित में जैसे प लिखना है ये नॉर्मली लिख पाएंगे, ऊपर में बिंदु है वो भी दे पाएंगे, और साइड में जो है आपको वो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, और ये सब भी यूज कर सकते हैं। करने का मतलब क्या है कि आपको जो भी लेटर्स चाहिए आपको सिंबल में मिल जाएगा। और इसके अलावा शॉर्टकट की भी है, जैसे अगर मान लीजिए ये चाहिए आपको तो ये सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, ये आपका इंसर्ट करेंगे ये आ भी जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो है देखिए इसका शॉर्टकट की है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जीरो, आप यहाँ पर ये देखिए ये जो दिया हुआ ना ये क्या है, इसका शॉर्टकट की है, तो आप ये आप याद कर लीजिए, इससे भी आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इसमें जो भी है देख पा रहे होंगे आप, बहुत सारा लेटर आपका है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इंसर्ट कीजिए, फिर यहाँ से ये चाहिए सेलेक्ट कीजिए इंसर्ट कीजिए, फिर इसके बाद और भी है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये सब है, जैसे ये चाहिए था तो यहाँ से इंसर्ट कीजिए। बहुत सारे कमेंट ये भी कहते हैं ये कैसे टाइप है, नीचे में बिंदु कैसे, आपको पता है कि ऊपर वाला डॉ लिख सकते हैं और नीचे बिंदु ला सकते हैं, लेकिन ये दो लेटर टाइप करने के बाद अगर आप चाह रहे कि डायरेक्ट ला दे फिर आप शॉर्टकट की का यूज कीजिए और या तो सिंबल मेनू का यूज कीजिए। अब सिंबल मेनू क्या होता है कि इजी हम इंसर्ट मेनू में जाकर सिंबल से ये ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है। अब शॉर्टकट की क्या है तो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे अल्ट के साथ एक्स है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मंगल फॉन्ट पर भी अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा कि कौन सा लेटर को हम कैसे लाएंगे। इसके अलावा आप टाइपिंग सीखिए, टाइपिंग में आपको पता है कि फिंगर आपको होम रो पे रखना होता है, इसी के जरिए आप टॉप रो पे जाएंगे और बॉटम रो पे जाएंगे। पूरा टाइपिंग याद हो जाने के बाद कोई कोई लेटर आपको जो है इंसर्ट मेन्यू जाके सिंबल मेन्यू के जरिए लाना है, और जो भी सिंबल आप लाएंगे उसका शॉर्टकट की भी आपका नीचे रहता है, वो शॉर्टकट की को भी जो है आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ताकि जो है आप जल्दी टाइप कर सके, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।